हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओजोन ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से आने वाले डिजिटल सेफ के बारे में, जिसमें आप अपने पैसे, ज्वेलरी, पासपोर्ट, लैपटॉप, डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी चीजें रख सकते हैं। और मेरे पास केवल ये डिजिटल सेफ ही नहीं है, बल्कि मेरे पास डिजिटल पासवर्ड फर्नीचर लॉक भी है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे, तो देखते रहिए। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ओजोन ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में, क्योंकि जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, सबसे पहले तो आपको उस कंपनी के बारे में कुछ बातें जरूर जाननी चाहिए। जैसे कि ओजोन ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्वालिटी के लिए 20 साल पुरानी परंपरा के साथ आता है, और ये केवल आर्किटेक्चर हार्डवेयर का ही लीडिंग प्लेयर नहीं है, बल्कि डिजिटल सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, डोर हार्डवेयर और ग्लास फिटिंग सेगमेंट्स में भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि इनके डीलर्स पूरे भारत में मौजूद हैं, तो ये ग्राहक को क्वालिटी तो दे ही रहे हैं, उनकी उम्मीदों पर खरा भी उतर रहे हैं। और दोस्तों, ओजोन ओवरसीज के डिजिटल प्रोडक्ट्स इनोवेशन टेक्नोलॉजी से सजे हुए हैं, और उन्हें ओजो लाइफ ऐप के जरिए एंड्रॉइड और iOS पर कंट्रोल किया जा सकता है। और दोस्तों, ओजोन के डिजिटल सॉल्यूशंस ओजोन के वेबसाइट ओजो कार्ड पर आसानी से मिल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ओजोन ओवरसीज के एगेट लैपटॉप सेफ के बारे में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको कुछ इस तरह का एनवेलप देखने के लिए मिल जाता है। इसमें एक यूजर मैनुअल दिया गया है, एक चेकलिस्ट दिया गया है, दो इमरजेंसी कीज दिए गए हैं, और इन कीज के साथ आपको की रिंग भी देखने के लिए मिल जाता है। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं, आपको कुछ इस तरह का एगेट लैपटॉप सिर्फ देखने के लिए मिल जाता है। अगर इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसका बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है, और ये मेटल बॉडी के साथ आता है, और मोटा चादर दिया गया है, तो ये काफी मजबूत भी है, और इसका वेट भी केवल 10 kg 700 g है, और इसका वॉल्यूम लगभग 24.5 liter का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको कीपैड देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर कुछ लाइट इंडिकेटर्स दिए गए हैं, जैसे कि रेडी, लो बैटरी, प्रोसीड। यहाँ पर आपको ओजोन की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको नोब देखने के लिए मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो कवर दिया गया है, इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। अब अगर आपका नाखून थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा होगा तो आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको इमरजेंसी की के लिए मिल जाता है, तो यहाँ पर मेरे पास दो इमरजेंसी की हैं, तो यहाँ पर मैं की को लगा देता हूँ कुछ इस तरह से, और की को यहाँ पर आपको एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घुमाना है, और इसको आपको क्लॉकवाइज इस तरह से घुमाना है। तो यहाँ पर मैं की को कुछ इस तरह से घुमा देता हूँ, और इसको यहाँ पर मैं क्लॉकवाइज घुमाता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सेफ है, ये ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको एक पावर बैंक देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको चार बड़े स्क्रू देखने के लिए मिल जाते हैं, तो इनके माध्यम से आप इस डिजिटल सेफ को वॉल पर फिक्स कर सकते हैं, और अगर आपके पास आलमीरा है तो आप इसे आलमीरा में रख करके वहां पर भी फिक्स कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, आपको कुछ इस तरह का फ्लोर कार्पेट देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों, आप देख सकते हैं, आपको चार AA बैटरी देखने के लिए मिल जाते हैं, और यहाँ पर कवर दिया गया है, तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर कवर को लगा करके इसे कवर कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको रीसेट बटन देखने के लिए मिल जाता है, तो आप इस रीसेट बटन को प्रेस करके आप इस डिजिटल सेफ के पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका पासवर्ड भूल गया है और आप इस डिजिटल सेफ के पासवर्ड को रीसेट करना चाहते हैं, तो आप रीसेट बटन को प्रेस करके पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप रीसेट बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं, प्रोसीड लाइट इंडिकेटर जल रहा है, तो यहाँ पर आपको आपके डिजिटल सेफ का जो भी पासवर्ड रखना है, आप उस पासवर्ड को यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा, और पासवर्ड एंटर करने के बाद आप यहाँ हैश को प्रेस कर दीजिएगा, आपका पासवर्ड सेव हो जाएगा। अब मैं आपको इसे लॉक और अनलॉक करके भी दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये अभी लॉक हो चुका है, और मैंने जो पासवर्ड सेट किया हुआ है, उस पासवर्ड को यहाँ पर एंटर करके मैं हैश प्रेस कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये डिजिटल सेफ आसानी से खुल जा रहा है। अब दोस्तों, मान लीजिए कि आपका जो डिजिटल सेफ है, उसकी बैटरी खत्म हो गई है और आपके पास इमरजेंसी की भी नहीं है, तो यहाँ पर आपको एक पावर बैंक दिया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चार AA बैटरी लगी हुई हैं। तो यहाँ पर आप इसे कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दीजिएगा। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो कीपैड है, यहाँ पर पावर आ चुका है, तो यहाँ पर मैं आसानी से अपना पासवर्ड एंटर कर सकता हूँ, और पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पर मैं हैश प्रेस कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि ये जो डिजिटल लॉक है, आसानी से ओपन हो जा रहा है। तो आपको काफी बढ़िया लुक्स, डिजाइन और फीचर के साथ डिजिटल से
सिर्फ देखने के लिए मिल जाता है और 2 साल की आपको वारंटी भी मिल जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं डिजिटल पासवर्ड फर्नीचर लॉक के बारे में। अब दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास अगला प्रोडक्ट है डिजिटल पासवर्ड फर्नीचर लॉक, जो कि ड्रॉर्स और कैबिनेट्स के लिए है। तो आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह का बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है स्मार्ट कीलेस डिजिटल फर्नीचर लॉक। तो चलिए सबसे पहले तो इस बॉक्स को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से कुछ इस तरह से बॉक्स ओपन हो जाता है और यहाँ पर सबसे ऊपर ही आपको एक कीपैड देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओजोन की ब्रांडिंग किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर दिया गया है और यहाँ साइड में आप देख सकते हैं आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। और जब आप डिजिटल फर्नीचर लॉक को ड्रॉअर में लगाएंगे या कैबिनेट में लगाएंगे तो ये फ्रंट में रहेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रो यूएसबी रीसेट की दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह का डिजिटल पासवर्ड लॉक देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको रीसेट बटन देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3AA बैटरी देखने के लिए मिल जाते हैं और 2 साल की आपको वारंटी भी मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रू दिया गया है, स्क्रू ड्राइवर दिया गया है, प्लेट्स दिए गए हैं और पिन दिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको स्क्रू और प्लेट देखने के लिए मिल जाते हैं। इस बॉक्स के अंदर आपको एक चेकलिस्ट देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक यूजर मैनुअल देखने के लिए मिल जाता है। तो किस तरह से इसे लगाना है यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ये थे ओजोन ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से आने वाले एगेट लैपटॉप सेफ और डिजिटल पासवर्ड फर्नीचर लॉक। इन दोनों प्रोडक्ट्स का बेस्ट बाय लिंक और डिस्काउंट कूपन कोड मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप हमारी इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर मैं आपसे मिलूंगा इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।